हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग अपनी इकोनॉमिक सर्वे 2019 की जो सीरीज चला रहे थे उसमें एग्रीकल्चर का हमने पार्ट वन कर लिया था। तो ये जो वीडियो है ये उसका पार्ट टू है। हमने क्रॉपिंग पैटर्न से हमने देखना था, देखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो एलुवियल प्लेन है उनकी वजह से हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन जो है क्रॉप सिस्टम का बिहार में अच्छा हो रखा है। सीरियल और पल्सेस के अलावा हमारे यहाँ फ्रूट और वेजिटेबल भी उगाया जा रहा है, जो कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और डाइवर्सिफिकेशन जो है क्रॉप का मतलब सीरियल भी उगा लेना, पल्स भी उगा लेना, फ्रूट भी, वेजिटेबल भी। तो ये किस में हेल्प करता है? ये फार्मर को हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट में। जो हमारे यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न है वो अनचेंज रहा है पिछले कुछ सालों में, और ये बताता है कि बिहार जो है एक सीरियल इकॉनमी रही है प्राइमरीली, जहाँ पे 85% मतलब जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है, नेट क्रॉप एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया का जो 85% है वो सीरियल्स के अंदर है। गवर्नमेंट ने बहुत इन्फेसिस किया कि जो है पल्सेस के अंदर जो एरिया है उसे बढ़ाया जा सके ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और अच्छी हो सके। लेकिन ये जो एकरेज है जो कि पल्सेस के मतलब एरिया अंडर पल्सेस हैं वो ग्रेजुअली मतलब सब्सटेंशली डिक्लाइन हुआ है। ये 7.1% था 2012-13 में, जो कि अब जो है वो 6.8% ही बचा है। बिहार ने सेल्फ सफिशेंसी अचीव कर ली है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, है ना। और इसके अलावा कई स्पेसिफिक स्कीम है पल्सेस के कल्टीवेशन के लिए, ऑयल सीड के कल्टीवेशन के, जो राइस का फैलो एरिया है उसमें। तो एक प्रोग्राम है इनका टारगेटेड राइस फैलो एरिया। इस प्रोग्राम के अंदर जो है राइस के फैलो एरिया में जो है आपका पल्सेस कल्टीवेट की जा रही हैं और ऑयल सीड कल्टीवेट की जा रही हैं। जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है हमारा सीरियल और पल्स का मिला करके वो 93.7% है हमारे ग्रॉस क्रॉप एरिया का। मतलब हमारे जितना ग्रॉस क्रॉप एरिया है उसका 93% एरिया जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, यानी कि सीरियल और पल्सेस के प्रोडक्शन में है। केवल 3.3% जो है ग्रॉस क्रॉप एरिया का, जो एरिया है ग्रॉस क्रॉप एरिया का 3.3% ही शुगर क्रेन क्रॉप है वहाँ पे, मतलब वहाँ उगाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जो कॉमर्शलाइजेशन है एग्रीकल्चर का बहुत ही लिमिटेड स्केल में है। अब ये देखिए क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार। देखिए, अगर बहुत कोई तगड़ा क्वेश्चन बनेगा तो लैंड यूज़ पैटर्न और क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार पे मतलब एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं मेंस में। वैसे आशाएं कम है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगर क्रॉपिंग पैटर्न पूछा जाए। देखिए, फूड ग्रेन और सीरियल का प्रोडक्शन जो है और जो उसका क्रॉप एरिया है वो ग्रॉस क्रॉप एरिया इंक्रीज़ हुआ है। देखिए, 93.02 था 2012 में, अब 93.72 है। सिमिलरली सीरियल्स का 85.9 था, ये 86.94 हो गया है। ये डिक्लाइन कहाँ का आया है? डिक्लाइन आया आपके पल्सेज में, डिक्लाइन आया आपके क्रॉस क्रॉप एरिया में ऑयल सीड में, डिक्लाइन आपके आया है फाइबर क्रॉप में, डिक्लाइन आपके आया है शुगर केन में। मतलब इंक्रीज जो है केवल वो फूड ग्रेन में और सीरियल में है, बाकी हर जगह डिक्लाइन है, पल्सेज, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप, शुगर केन। अब देखते हैं ट्रेंड्स क्या है हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। देखिए, जनरली जो हमारे बिहार की प्रोडक्टिविटी है वो सब्सटेंशली इंक्रीज़ हुई है, और इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो वाटर का अबंडेंस है और हमारे यहाँ रिच एलुवियल सॉयल है। इसके अलावा हमने अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कर रखा है फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप सब एक साथ उगा करके। और एक रीज़न ये भी है कि जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है पिछले कई सालों में हमारे बिहार के एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उन्हें हमने इम्प्रूव किया है। आते हैं क्रॉप सेक्टर में। देखिए, हमारे जो टोटल सीरियल प्रोडक्शन था 2013-14 में वो था 15.72 लाख टन, ये बढ़ करके हो गया 17.35 लाख टन। तो यानी कि जो एनुअल ग्रोथ रेट रही है वो हमारे यहाँ 4.4% रही है। और मेजर सीरियल्स की बात करें तो राइस और मेज में जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया, और जो ग्रोथ रेट थी वो 6% थी मेज में और 4% थी राइस में। पिछले 5 सालों की बात करें हम तो मेज प्रोडक्शन भी सब्सटेंशली इंक्रीज हुआ है, उसका मेन रीज़न है इंक्रीज इन रबी मेज और समर मेज। अब देखिए, अगर पल्सेज एंड ऑयल सीड की बात करें जो कि हमने पिछले देखा था, उनका जो प्रोडक्शन है उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, और ये हमारे यहाँ एक कंसर्न का कॉज है क्योंकि ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पल्सेस और ऑयल सीड्स। कोर सीरियल्स की बात करें तो बाजरा, बाली, ज्वार, इन सब का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हुआ है, और ओवरऑल कोर सीरियल का भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। देखिए, जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है और प्रोडक्शन परफॉर्मेंस की बात करेंगे बिहार के सीरियल इकॉनमी की, तो उसका एक मेजर रीज़न ये दिया जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट दिया, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किए, जिसमें एक था सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो कि सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन की तरह एक प्रोडक्शन की विधि जैसे श्री विधि बोलते हैं, एडॉप्शन ऑफ जीरो टिलेज मेथड, इसके अलावा अश्योर्ड इरीगेशन फैसिलिटी यानी इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल और बिजली देना, ये ताकि हाई प्रोडक्शन टारगेट जो है वो अचीव हो सकें। और देखिए, पिछले हमने देखा था तो देखिए रेन डेफिशिएंट ईयर थे 2015-16,
और इसके बावजूद जो हमारे प्रोडक्शन बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन जो है सक्सेसफुल रहे हैं, और हमें क्या है क्लाइमेट रेजिलियंस हमें अपने स्टेट के एग्रीकल्चर को बनाना है। अब देखिए जो प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप है इनका एक चार्ट दे रखा है प्रोडक्शन लेवल। देखिए टोटल प्रोडक्शन तो हमारा ये इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल 4.22% से CAGR, टोटल सीरियल 4.41 और टोटल राइस 4% से। अब देखिए देखने वाली चीज़ ये है कि जो हमारी खरीफ की मेज थी और जो हमारी समर की राइस थी दोनों में डिक्लाइन देखा गया है। इसके अलावा कोर्स सीरियल में जो रागी है, रागी में निगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई है। इसके अलावा टोटल पल्सेज में ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है वो निगेटिव रही है, टोटल पल्सेज में -2.03 की, यानी सारी जितनी भी दाल हैं अगर घाघरा को छोड़ दिया जाए तो इसको छोड़ दिया जाए तो सब में जो है निगेटिव ग्रोथ देखी गई है। अब देखते हैं सेम कहानी है टोटल ऑयल सीड की भी, ये भी निगेटिव ग्रोथ रेट है। टोटल फाइबर क्रॉप्स भी डिक्लाइन हुई हैं -6.4% से। जूट और मेसा भी, शुगर केन में भी डिक्लाइन है, तो मतलब अगर सीरियल प्रोडक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में डिक्लाइन है। लेकिन जनरल ट्रेंड्स की बात करें प्रोडक्टिविटी में, तो सभी मेजर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, स्पेशली सीरियल में, राइस में, सबकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है। और इसके पीछे कारण रहा है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ने क्वालिटी सीड प्रोवाइड किए, फिर टूल्स और इक्विपमेंट जो है सब्सिडी पे दिए, इसके अलावा कई सारे एंकरेजमेंट प्रोग्राम चलाए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, ताकि जो है किसान जो हमारे नई टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करें जिससे क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। देखिए 17-18 में मेजर सीरियल्स प्रोडक्टिविटी जो थी सबसे ज़्यादा मेज़ की थी, राइस की सबसे कम थी पर हेक्टेयर। और देखिए राइस की ये पर हेक्टेयर की बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है जो कि 2.8% से इंक्रीज़ हुई है पिछले 5 साल में राइस की प्रोडक्टिविटी, डिस्पाइट वाटर लॉगिंग मतलब पानी एक जगह जमा हो जाता था इसके बावजूद, और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव सीड इन द स्टेट। इसके बावजूद पिछले 5 सालों में हमारी राइस की प्रोडक्टिविटी और मेज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है। प्रोडक्टिविटी अगर वीट क्रॉप की बात करें तो मार्जिनली इंक्रीज़ हुई है, बहुत कम इंक्रीज़ हुई है। 2012-2013-14 में ये 2855 थी और 2017-18 में 2905 KG पर हेक्टेयर है। अगर ऑयल सीड की बात करें तो इनके प्रोडक्टिविटी में मार्जिनल डिक्लाइन है, पल्सेस में ये मार्जिनली इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जो मार्जिनली इंक्रीज़ है प्रोडक्टिविटी में पल्सेस के उसने ओवरऑल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया है, ये समझने वाली बात है। अगर पल्सेस की बात करें तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ हुई है, यानी पर हेक्टेयर उसका जो पर हेक्टेयर पर केजी हेक्टेयर आ रहा है वो तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन जो आ रहा है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाया। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि क्वालिटी सीड जो है कल्टीवेटर को प्रोवाइड किए जाएं। तो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी मेजर क्रॉप्स की उन्होंने इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया है। जो रैपिड ग्रोथ हमारे पॉपुलेशन की हो रही है उसने सीरियल प्रोडक्शन के ग्रोथ को आउटस्ट्रिप कर दिया है, मतलब उससे आगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू हमारे सीरियल प्रोडक्शन में ग्रोथ के। इसलिए जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है किसी एग्रीकल्चर सेक्टर पे बिहार में, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसने आउटस्ट्रिप कर दिया है सीरियल प्रोडक्शन को। ये देखिए प्रोडक्टिविटी लेवल इसमें दिखाया गया सबका, देखिए समर राइस का माइनस है, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो निगेटिव में है। इसके अलावा आपका खरीफ मेस जो है वो निगेटिव में है, बाजरा निगेटिव में है, रागी नेगेटिव में है, टोटल पल्सेस भी नेगेटिव में है इनकी प्रोडक्टिविटी। देखिए जो डिफरेंस है हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्स में, एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन में, प्राइस में, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में, ये सब जो है प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, तो कई डिस्ट्रिक्ट हैं जो डेवलप्ड हैं जैसे रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया जो राइस और वीट के कल्टीवेशन के मामले में, और कई जो है अंडर डेवलपमेंट हैं, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है वेरी करती है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब देख लेते हैं एरिया अंडर प्रोडक्शन ऑफ राइस। ये जो राइस प्रोडक्टिविटी है वो भोजपुर, रोहतास और अरवल की रिलेटिवली हाइयर है, और मुजफ्फरपुर की जो है रिलेटिवली काफ़ी कम है, लोवेस्ट है। जो लीडिंग प्रोडक्ट
प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारे रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर हैं, जो कि टोटल स्टेट के 22% टोटल प्रोडक्शन का हिस्सा रखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वीट पे। वीट की बात करें तो आपका रोहतास, ईस्ट चंपारण और बक्सर, ये जो है बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब इनका है प्रोडक्शन के केस में। और लो प्रोडक्शन की बात करें तो मुंगेर, किशनगंज और अरवल हैं। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारे पटना की है, समस्तीपुर की और मधेपुरा की। पटना, समस्तीपुर और मधेपुरा। और लोअर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वेस्ट चंपारण है, मधुबनी और किशनगंज है। जो प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट जो है वो पटना में है, और वो कितनी है, 3618 kg पर हेक्टेयर। अब एरिया प्रोडक्शन ऑफ मेज़ देख लेते हैं। देखिए जो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है वो कटिहार है, पूर्णिया है और समस्तीपुर है। कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर। और जो आपका हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है वो आपके कटिहार में ही वो की गई है। लखीसराय, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा जो है वो लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी लेवल है इनका। अब आ जाते हैं पल्सेज में। देखिए पटना, औरंगाबाद, नालंदा जो हैं वो लीडिंग कंट्रीब्यूटर हैं आपके टोटल पल्स प्रोडक्शन में, और 21.7% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो है वो इन्हीं से आता है। और इसकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो है पल्सेज की वो है सारण में, जो कि है 1960 kg पर हेक्टेयर। और लोवेस्ट जो है वो पूर्णिया में है। और अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो पटना जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में आगे है, वो है 0.7 lakh टन यानी 17,000 लाख टन है। और अगर एरिया में भी पटना ही सबसे आगे है। अब देखिए गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम चला रखे हैं ताकि कल्टीवेशन पल्सेस का होता रहे। उसमें है सीड प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन विद टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, स्पेशल पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम, मैकेनाइजेशन ऑफ ग्रेडिंग एंड मिलिंग टू मिनिमाइज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। मतलब हार्वेस्ट करने के बाद जो है रखने रखने में भी जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं उसे मिनिमाइज़ करना है। ये सब इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो कि पल्सेस के प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रही है। अब देखते हैं शुगर केन में। देखिए शुगर केन जो है हमारे यहाँ मेजर कमर्शियल क्रॉप है बिहार में, और इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है जो कि एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर को दोनों को ही ये रूरल एरिया में प्रोवाइड करता है शुगर केन का प्रोडक्शन। ये मेजर एग्रो बेस एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है बिहार की। और हमारे यहाँ शुगर केन का प्रोडक्शन मतलब शुगर केन उगाने का एक रीज़न ये भी कि हमारे यहाँ एलुवियल सॉइल और एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज है। देखिए शुगर केन जो है काफ़ी वाटर टेक इनटेक इसका वाटर का काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ बिहार में क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है तो इसलिए शुगर केन का प्रोडक्शन काफ़ी सही है। देखिए मोर देन 55% ऑफ टोटल शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो आता है वेस्ट चंपारण से, और सबसे ज़्यादा एरिया भी वेस्ट चंपारण में ही है जो कि शुगर केन प्रोडक्शन को लेकर डेडिकेटेड है। अगर यील्ड की बात करें, शुगर केन यील्ड की बात करें तो पटना डिस्ट्रिक्ट की जो यील्ड है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा शुगर वहाँ के शुगर केन से निकलता है। और बता चुका मैं आपको ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और इसे एडिक्वेट फर्टिलाइज़र यूज़ चाहिए ताकि जो है पेस्ट के जो आपके पेस्ट इन्फेक्शन है उससे हमारी क्रॉप को बचाया जा सके। अब देखिए शुगर केन यील्ड जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं शुगर केन इंडस्ट्री की या शुगर केन के ग्रो करने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो है वाटर लॉगिंग, इम्बैलेंस यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट, पुअर वाटर यूज़ एफिशिएंसी इन रेन फेड कंडीशन। ये तीन जो है वो मेजर प्रॉब्लम है हमारे शुगर केन के प्रोडक्शन में और शुगर केन इंडस्ट्री में। इसके अलावा जो है क्रेडिट एक्सेस टू द शुगर केन ग्रोवर, और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम गवर्नमेंट ने चला रखी है जिसके तहत जो है और मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना जो कि सब्सिडी देती है 160 पर क्विंटल की किसानों को, प्लस इसके अलावा जो है ताकि फार्मर जो है हमारे यहाँ सर्टिफाइड सीड शुगर केन की खरीद सकें और वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पे। और कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी गवर्नमेंट चला रही है, वर्कशॉप चला रही है ताकि जो है नए नए मेथड ऑफ कल्टीवेशन और शुगर केन के जो हैं किसानों को बताया जा सके और नॉलेज जो है फार्मर की वो ऑर्गेनाइज की जा सके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के थ्रू। अब आते हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर पर। देखिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो कि इंक्लूड करता है फ्रूट एंड वेजिटेबल को, वो मेजर ड्राइवर है एग्रीकल्चर ग्रोथ का बिहार में, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर रेजिलिएंट है एडवर्स वेदर कंडीशन के, और यही वजह है कि जो आजकल ये प्रोमिनेंस में है और जो स्मॉल होल्डर्स हैं वो आजकल बागबानी और आपका साग सब्जी उगाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक रीज़न इसके पीछे ये भी है कि इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट हैं, सब्जी के तो हैं ही हैं, फ्रूट के तो अपने हैं ही हैं, इसलिए इनकी लोकल डिमांड भी है। और क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट देता है, इनकम अपॉर्चुनिटी देता है रूरल एरिया में, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है।
हमें ध्यान कहाँ देना है, पेरिशेबिलिटी और सीजनेबिलिटी पे है। देखिए जो फ्रूट्स हैं वो उनका वो सीज़न सीज़न पे आते हैं ना, अब ऐसा तो है नहीं कि आम हर सीज़न में आएगा, तो इसलिए हमारे यहाँ चाहिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम जो है हमारे जो किसानों को होती है वो दूर हो। जो फेवरेबल हमारे यहाँ एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल टोपोग्राफी है, वाटर रिसोर्स है, तो इसलिए हमें नई टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाहिए और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, ताकि जो है बिहार में फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रोडक्शन अच्छा हो सके और इसे हम डाइवर्सिफाई कर सकें। अब देखते हैं एरिया अंडर एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। देखिए सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हुआ है हमारे बिहार में पिछले कुछ सालों में, अगर फ्रूट्स की बात करें, और एलुवियल सॉइल ये हम हर जगह पढ़ते हैं, हर जगह आप लिख सकते हैं एलुवियल सॉइल, रिच एलुवियल सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी, है ना, इन सब ने फार्मर को बहुत हेल्प किया है वेजिटेबल उगाने में एट लो कॉस्ट। फ्रूट्स में जो है बिहार की शाही लीची और मालदा का मैंगो, ये हमारे पूरे देश में फेमस है। और जो अगर लीची की बात करें तो पूरे देश का जो प्रोडक्शन है उसका 40% तो केवल बिहार से ही आता है। इसी संदर्भ में जो है बिहार गवर्नमेंट ने लीची सुरक्षा अभियान चला रखा है ताकि उसका प्रोडक्शन क्वालिटी और शेल्फ लाइफ लीची की बढ़ाई जा सके। हमारे 9 मेजर फ्रूट्स हैं और उनका एवरेज हम देख लेते हैं कैसा क्या क्या है। देखिए मैंगो, गुआवा, लीची, बनाना, पाइनएप्पल, पपाया, आंवला, वाटरमेलन और मस्कमेलन। और हाईएस्ट जो एनुअल ग्रोथ रेट देखी गई थी वो आंवला में देखी गई थी, जबकि पपाया के लिए जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव, बाकी सारे फ्रूट की ग्रोथ रेट जो है वो पॉजिटिव है। अगर एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो मैंगो के लिए है डेडिकेटेड, और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो बनाना है, जो शेयर मतलब स्टेट के फ्रूट प्रोडक्शन में वो है 36.7%, जो हाजीपुर में आपका बनाना काफ़ी फेमस है। पपाया के अलावा सारे मेजर फ्रूट्स ने पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की है। लीचीज़ का जो एकरेज की बात करें तो एरिया अंडर जो लीची है वो कांस्टेंट रहा है 11%, और इसका जो प्रोडक्शन है तब भी इंक्रीज़ किया, यानी कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ी है। अब देखिए ये चार्ट है, ये दिखाता है मतलब क्या इसकी ग्रोथ रेट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पपाया की जो ग्रोथ रेट है वो निगेटिव रही है, बाकी सब में 0.5, 0.5, 0.7 सब में ग्रोथ हुआ है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ है आपका लीची में 8.76 का, नहीं सॉरी आंवला में, ऊपर देखा ना आंवला में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है 43% का, उसके बाद जो है वो लीची में, लीची की प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी रही है क्योंकि उसका एरिया जो एकरेज है वो तो कांस्टेंट रहा है लेकिन प्रोडक्शन तब भी बढ़ा है। आइए अब देखते हैं वेजिटेबल्स में क्या ट्रेंड रहा है। अब देखिए हमारे यहाँ जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल कंडीशन है, काफ़ी बढ़िया है वेजिटेबल्स के लिए, प्लस वाटर अवेलेबिलिटी है, इसलिए हमारे जो फार्मर हैं वो चीपली जो है वो सब उगा लेते हैं। और अब तो हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं नेशनली, और जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है वो 70% है टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का। अगर स्टेट के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो उसका जो 70% है वो केवल वेजिटेबल सेक्टर से ही आता है। जो ओवरऑल प्रोडक्शन है हमारे वेजिटेबल का वो इंक्रीज़ हुआ है, 2015-16 में 142 लाख टन था, अब ये होकर के 148 लाख टन हो गया है। इसमें जो हमारे जो मेजर क्रॉप हैं वो है पोटैटो, आलू, ब्रिंजल, फिर ओनियन, फिर कॉलीफ्लावर, टोमेटो, लेडी फिंगर, कैबेज, रेडिश, तो यही हमारे जो मेजर क्रॉप है। अगर मिर्चा को छोड़ दें तो प्रोडक्शन ऑफ ऑल द वेजिटेबल वो है इंक्रीज़ हुआ है। अब ये देखिए एरिया एंड प्रोडक्शन, देखिए एरिया और प्रोडक्शन दोनों दे रखा है हर क्रॉप का ईयर वाइज, 16-17 में क्या था, 17-18 में क्या था। अब देखिए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे स्टेट में हुई है बिहार में, उसकी वजह से जो है डाइवर्सिफिकेशन को इसने इनेबल किया है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो स्टार्ट की गई है। एग्री रोड मैप जो थर्ड है हमारा, उसने इम्फेसिस दिया ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। और इसी संदर्भ में जो है मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का था वो हमारे बिहार के 23 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, और जो बाकी की टोटल हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 23 में जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, बच कितने गए, 15 बच गए, तो 15 में जो है चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है हमारे यहाँ। इसके अलावा जो है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है, एक्सेस टू क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है, मतलब तो क्वालिटी सीड हो, टिश्यू कल्चर हो, ये क्या कह रहा है बूस्ट कर रहा है हमारा। और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, इन सब के अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप की जाए हमारे यहाँ, और लो कॉस्ट स्टोरेज यूनिट हो, ताकि जो है जो हमारा जो हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो वो मिनिमाइज हो सके। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जाए, माइक्रो इरिगेशन स्कीम हो, ठीक है, नेट हाउसेज हो, ये सब प्रमोट की जा रही हैं। जो इरिगेशन प्रैक्टिस है जो आपका माइक्रो इरिगेशन का,
वो पानी सेव करता है हमारा लगभग 60% इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिसेस। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो है क्रॉपिंग पैटर्न देख लिया और ट्रेंड देख लिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या ट्रेंड है। अब हमारा बचा है एग्रीकल्चर इनपुट, और इसके बाद बचा है हमारा एनिमल हस्बेंड्री जैसा फिशरीज़ और डेयरी फार्मिंग। इनपुट में आपका सीड होगा, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, है ना, क्रेडिट होगा, ये सब बचा है। तो ये हम जो है पार्ट थ्री में करेंगे, और अगर पार्ट वन टू और थ्री आपने पूरा कर लिया तो एग्रीकल्चर एंड एग्रीलाइट सेक्टर जो है इकोनॉमिक सर्वे का वो कंप्लीट हो जाएगा। और मेंस में कोई भी एग्रीकल्चर का अगर क्वेश्चन आता है, आपने अगर ये तीनों वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो आपने अगर देख लिए और ये पढ़ लिया आपने चैप्टर, तो आपका वो अच्छे से टैकल हो जाएगा और उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपको ये फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और आप लोग वीडियोज़ पूरा देखा करिए तभी आपको फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा।